हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? सो आज अपना जो लेक्चर है, लास्ट वीडियो है ऑन द मोनेरा। वैसे इस वीडियो में कुछ भी मैं आपको नया नहीं पढ़ाने वाला, ये जस्ट पीछे की चीजें ही आपको रिमाइंड कराएगा चीजें। बट ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, सब चीजें आपके टुकड़ों में थी, अब मैं उन हर एक चीज को इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। बस आज हम उसे एक हेडिंग डाल के उन चीजों को हम यहाँ पे समराइज करने वाले, एक जगह उन्हें लिखने वाले हैं। कुछ भी नया नहीं लिखेंगे, सब पीछे की बातें करेंगे। तो जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है तो आप खुद उसे नोट डाउन करोगे। मैं सिर्फ आपको हेडिंग बताऊंगा, यस ये आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपने बेटा जी अपने टेस्ट के लिए सिलेबस में आ रहा है यहाँ पे मोनेरा किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन से, तो आपको याद वापस से बेटा जी एक बार रिवाइज कीजिएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो मैंने पहले आपको वीडियो भेजे उनको प्लीज एक बार दोबारा से देखिएगा। आपका कल जो टेस्ट होगा उसमें मैं उन टॉपिक्स को वापस से इंक्लूड करने वाला हूँ, एक आपके रिविजन के लिए, ठीक है। अब पॉइंट आता है आज का अपना टॉपिक क्या है, हमने क्या क्या पढ़ाया मोनेरा में। आपने सबसे पहले मोनेरा में पढ़ना शुरू किया था बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका सेल इनलोप क्या है, उसमें मीजोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ये सब बातें आपने की थी। फिर आपने वहाँ पे बातें की थी हाउ वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है, वो अगर रिप्रोड्यूस करता है तो कैसे करता है। आपने कहा था उसका सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बेटा जी एसेक्सुअल मेथड, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बट वो एंडोस्पोर बनाता है, बट एंडोस्पोर जस्ट एक प्रोटेक्शन का मेथड था, वो एक वे ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था, ठीक बात है। फिर आपने कहा था बेटा जी यहाँ पे सर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है आपका अब्सेंट है। और वो जो सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने तीन बातें की थी, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। या तो वो सराउंडिंग से उठा लेता है डीएनए को, या फिर वो एक फिजिकल कॉन्टेक्ट से लेता है, या फिर यहाँ पे थ्रू द वायरस लेता है डीएनए को। तो हमने कहा था ये जो जीन ट्रांसफर का मेथड है वो हमने तीन पढ़े थे यहाँ पे, जिनको हमने कहा था सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपको याद होगा जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन में मेनली आप बातें करते हो या तो ऑटो है या फिर हिट्रो है। ऑटो के अंदर या तो फोटो है या फिर वो आपका यहाँ पे आपका कीमो ऑटो है। फिर हिट्रो में आपने कहा था या तो वो सेप्रोट्रॉफिक है या फिर वो पैरासिटिक। और पैरासिटिक केस जब आपने कहा था, आपने कहा था सर इट कॉज डिजीज। और इवन मैंने आपको ये भी पढ़ाया है दो प्रकार के टॉक्सिन बनते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। याद है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अलग अलग टॉक्सिन्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। मैंने आपको डिजीज के नाम लिखवाए हैं जैसे कि टाइफाइड, टिटनस। आपको मैंने बताया बेटा जी यहाँ पे कि ये कुछ डिजीज ऐसे, मैंने आपको 8-10 डिजीज के नाम लिखवाए हैं जो एनिमल में कॉज होता है, ऐसे ही मैंने कुछ प्लांट के डिजीज लिखवाए हैं आपको यहाँ। ये सब बातें हमने पहले की। फिर आप लोगों ने टॉपिक शुरू किया था बेटा जी अपने यहाँ पे माइकोप्लाज्म को पढ़ना। तो जब माइकोप्लाज्म पढ़ा था वहां पे आपने कहा था कि वो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के लिए क्या है वहां पे पैरासिटिक, वो क्या करता है बेटा डिजीज को कॉज करता है, ठीक बात। फिर आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया को बेटा, साइनोबैक्टीरिया में क्या खास बात आपको मैंने वो सब बातें बताई। फिर आपने आर्किबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि आर्किबैक्टीरिया मेनली तीन प्रकार का होता है, या तो मीथेनोजेंस है या फिर वो हैलोफिल्स है या फिर वो आपका थर्मो एसिडोफिल्स है। फिर आपने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे अबाउट द रिकेट्सिया एंड अबाउट द एक्टिनोबैक्टीरिया। तो अभी कल मेरे पास में मानसी ने डाउट भेजा, मैं उस डाउट को यहाँ सबके लिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने वहां पे एक वर्ड लिखा था रिकेट्सिया इज ए इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मैंने वर्ड क्या लिखा था उस वर्ड को दोबारा लिखा हूं बेटा जी यहाँ पे कि रिकेट्सिया इज ए इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो मुझसे डाउट पूछा गया सर यहां पे आपने वर्ड लिखा है इंट्रा, और अगर यहां पे वर्ड हो जाता है इंटरसेलुलर तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा इनमें डिफरेंस है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इसका मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जब भी किसी वर्ड में बात हो तो याद रखना, जब भी इंट्रा वर्ड लग जाए तो याद रखना वहां वर्ड क्या आता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। मतलब क्या इस बात का, सिर्फ ये एक सेल है और ये पैरासाइट सेल के अंदर जाके अपने आप को ग्रो करता है, सेल के अंदर विद इन द सेल। तो मैं कहूंगा वो बन जाएगा इंट्रासेलुलर। और आपने कहा सर ऐसे एक टिश्यू है और ये डिफरेंट टाइप की सेल्स है, ये सेल्स के बीच की जो जगह है मैं कहूंगा ये कहलाएगी बेटा जी यहाँ पे इंटरसेलुलर।
और ये सेल के अंदर जो है कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे इंट्रासेलुलर। तो डिफरेंस है बेटा जी यहाँ पे, इंट्रा का मतलब होता है विदिन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन दी सेल। तो इट्स नॉट ए इंटरसेलुलर, इट्स ए इंट्रासेलुलर। विद इन द सेल वो क्या है बेटा जी यहाँ पे पैरासाइट है यहाँ पे। तो मैंने वर्ड ये लिखा है। यही पर मैं एक बात और आपको साथ मेंशन करूं, यहाँ पे कोई पूछे आपसे सर हाउ द रिकेट्सिया गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर इंडिविजुअल, ट्रांसफर कैसे होता है। तो मैं कहूंगा इट गेट ट्रांसफर थ्रू दी एक वेक्टर, और उसका वेक्टर जो होता है उसका नाम होता है बेटा जी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज एक्ट एज वेक्टर। अब आर्थ्रोपोडा तो बेटा फाइलम का नाम है, मतलब उस फाइलम से बिलोंग करने वाले जो इंसेक्ट्स है बेटा जी वो मेनली रिकेट्सिया को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन इंफेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन में रिकेट्सिया को जो कि एक वायरस जैसा दिखता है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं बेटा जी आर्थ्रोपोडा। तो लिख लेना इस बात को यहाँ पे बेटा जब अपने नोट्स में, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा मेंबर्स आर एक्ट एज वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिकेट्सिया बैक्टीरिया। रिकेट्सिया बैक्टीरिया के ट्रांसफर करने के लिए ये यहाँ पे बेटा जी वेक्टर का काम करता है। चलिए ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है तो इन बातों की हम बातें नहीं करते। पॉइंट आता है नया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कुछ भी नया नहीं, बस मैं हेडिंग डालूंगा ताकि कुछ चीजें आपको रिमाइंड हो जाए कि हाँ सर हमने सब चीज पढ़ा हुआ है, कुछ नया होगा तो उन चीजों को मेंशन करता रहूंगा। देखिएगा बेटा जी आज का अपना टॉपिक हम हेडिंग क्या डालने वाले हैं। टॉपिक की हेडिंग है बेटा जी यहाँ पे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि भाई बैक्टीरिया इकोनॉमी के लिए बैक्टीरिया क्या क्या रोल अदा करता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी कैसी कैसी एक्टिविटीज हैं बैक्टीरिया की। मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया बिलोंग करता है उसकी एक्टिविटी कैसी कैसी है, क्या वो यूजफुल एक्टिविटी करता है या हार्मफुल एक्टिविटीज है उसकी। तो हम कहेंगे उसकी दोनों तरह की एक्टिविटी है, कुछ उसकी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे लिए हार्मफुल है बट कुछ ऐसी भी एक्टिविटी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम दोनों को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो हमने सबसे पहले लिखा बेटा जी यहाँ पे आपके लिए हार्मफुल एक्टिविटी, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बैक्टीरिया कुछ ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिससे हमें क्या होने वाला है बेटा जी हार्म होने वाला है। एंड सबसे पहला हार्म जो आप पढ़ चुके हो वो डिटेल में बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका डिजीज। आई थिंक मुझे यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, यहाँ पे आपने कम से कम 20 के आसपास डिजीज के नाम लिखे प्लांट एज वेल एज एनिमल के अंदर ये जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, चाहे वो माइक्रोबैक्टीरियम हो यानी कि आपका चाहे वो पैक्टिनोबैक्टीरिया हो, चाहे बेटा जो आपका यहाँ पे माइकोप्लाज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, हर तरह का बेटा जी यहाँ पे मोनेरा किंगडम से बिलोंग करने वाले मेंबर बेटा जी क्या कोर्स करते हैं यहाँ पे डिजीज ग्रो करते हैं। तो मैं कहूँगा यस उसका वन ऑफ द एक अफेक्ट हमारी बॉडी पे है तो वो क्या है बेटा जी डिजीज। ठीक बात है, अगले वर्ड में आते हैं, अगला पॉइंट आता है सर और उसका क्या। तो मैं कहूँगा उसको काम होता है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। इस वर्ड का मतलब क्या है, आप ही कहते हो सर नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स होता है हमारी सोयल के अंदर और उसे हम अमोनिया के फॉर्म में फिक्स करते हैं। अमोनिया का फिर यहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में क्या किया जाता है यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे नाइट्राइट का ब्रेकडाउन करते हैं, किसका बेटा जी यहाँ पे नाइट्राइट का ब्रेकडाउन करके उसे फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जरा सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये हमारा नाइट्राइट है, मतलब नाइट्रोजन इन सोयल में बेटा जी यहां पे फिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा जी यहां पे नाइट्राइट की फॉर्म में, और नाइट्राइट की वो फॉर्म है जिस फॉर्म में बेटा जी आपके जो प्लांट है उसे क्या करने वाले हैं उसे एब्जॉर्ब करने वाले। अब जरा सोचिएगा किसी भी ऑक्सीजन में नाइट्राइट को यहाँ पे फिक्स करके तैयार कर दिया, इसका मतलब उसमें यहाँ पे सोयल की फर्टिलिटी पावर को बेटा जी इंक्रीज किया हुआ है। और अगर ये कंटेंट ज्यादा होगा नाइट्रोजन का सोयल में तो उस सोयल की फर्टिलिटी पावर भी कैसी होगी बेटा यहाँ पे ज्यादा होगी। बट कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं लाइक थायोबैसिलस, और मैं कहूंगा सुडोमोनास, जो क्या करते हैं इस नाइट्राइट को बेटा जी वापस से यहां पे फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सोच के देखो बेटा मानसी, अगर उन्होंने इस नाइट्राइट को बेटा जी फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया
तो चिंकी बेटा क्या होगा, आप जानते हो कि इस फॉर्म में प्लांट कभी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर वो नाइट्राइट को नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करे, मतलब सोयल के अंदर जो फ्री, जो सोयल के अंदर जो फिक्स्ड फॉर्म में जो नाइट्रोजन बैठा हुआ है, वो उसके कंटेंट को क्या कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। और अगर इसका कंटेंट सोयल में रिड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली सोयल की फर्टिलिटी पावर क्या हो जाएगी बेटा जी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। क्या बोला मैंने, यहाँ पे सोयल की फर्टिलिटी पावर डिक्रीज हो जाएगी। यस, आपने सही सुना, क्योंकि वो नाइट्राइट को बेटा जी कन्वर्ट कर रहे हैं फ्री नाइट्रोजन। अगर वो ऐसा करेंगे तो इस फॉर्म में प्लांट कभी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर इस फॉर्म में नाइट्रोजन को कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब दीज आर द स्पेसिफिक वेक्टर दैट आर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी पावर ऑफ द सोयल। तुम लिख दो बेटा जी यहां पे, दे आर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। सोयल की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो उसको क्या करते हैं बेटा जी, यहां पे रिड्यूस करते हैं। ये इसकी हार्मफुल एक्टिविटी बता रहा हूं बेटा जी यहां पे। अब ये मत करना सर ये तो फिक्स करते, बिल्कुल फिक्स भी करते हैं नाइट्रोजन को यहाँ पे, बट ऐसे भी बैक्टीरिया, मैंने जीनस का नाम बताया बेटा जी, सुनो मोनास, जो नाइट्राइट को बेटा जी वापिस से क्या बना रहे हैं यहाँ पे आपका फ्री नाइट्रोजन। मैंने देखो उनका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन का क्या हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंसी। तो मैंने कहा वो नाइट्राइट की क्या करेंगे यहाँ पे, डेफिशिएंसी कोज करेंगे यहाँ पे, और उसे वापस से फ्री नाइट्रोजन में क्या करेंगे बेटा जी, कन्वर्ट करेंगे। तो दे आर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी पावर ऑफ द सोयल। ये वन ऑफ द पॉइंट हो गया बेटा जी। ओके, और क्या करते हैं, तो हम कहेंगे और बातें करते हैं यहाँ पे, फूड पॉइजनिंग। जो भी हमारा डब्बा पैक फूड आता है उसमें आपने कई बार देखा है कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, और वो हम खाने से हमारी बॉडी में अफेक्ट आता है, हमारी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपको मैंने नाम लिखा है बेटा जी, क्लोस्ट्रीडियम बोटलेनिकम। ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम जीनस का बेटा जी जो क्या करता है मेनली यहाँ पे फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है। मेनली क्या करता है यहाँ पे, जो भी डब्बा पैक फूड होता है बेटा जी एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो होकर बेटा जी फूड को डिग्रेड करता है, टॉक्सिन को रिलीज करता है, उस टॉक्सिन से बेटा जी हमें यहाँ पे हार्म होता है। तो मैं कहूंगा ये हमें यहाँ पे फूड पॉइजनिंग डिजीज भी कॉज करता है यहाँ पे आपका, और साथ ही बेटा जी यहाँ पे ये फूड को स्पॉइल करने का, फूड को खराब करने का क्या कर रहा है बेटा जी यहाँ पे काम कर रहा है। ये वन ऑफ द अफेक्ट हो गया, कैसा अफेक्ट हो गया उसके यहाँ पे, हार्मफुल अफेक्ट हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं, वाटर पॉल्यूशन। अब इस वर्ड को कैसे समझोगे, आपको मैंने साइनोबैक्टर में एक वर्ड पढ़ाया था एलिगल ब्लूम, पहले तब उस वर्ड को समझते हैं। आपने कुछ ऐसा कहा था कि अगर सर कहीं पे भी पानी है वो पोल्यूटेड है, कहीं भी पानी वो पोल्यूटेड है, तो उसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेस में ग्रो होगा। तो मैं कहूंगा एक्सेसिव ग्रोथ of the blue green algae within a polluted water body is known as algal bloom. Definition likh sakte ho yahan pe, excessive growth of the blue green algae within a polluted water body is known as algal bloom. Theek baat hai, आपको दिखाई देता होगा कई बार हम हमारा जो पानी होता है बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, बहुत ही उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उससे पूरी यहाँ पे एल्गी से छा जाते हैं, हम कहते हैं वो एल्गल ब्लूम वहां पे हो रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई वहां पे आपकी, ठीक है। बट अगर हम और यहाँ पे पोल्यूशन की बात समझ कर देखें, आपके कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं दैट गेट ट्रांसफर थ्रू द वॉटर, लाइक टाइफाइड, क्लोरा, ये सबका ट्रांसफर ही कैसे होता है, थ्रू द बेटा जी यहाँ पे आपका वाटर होता है। इसका मतलब वो पानी के अंदर बैठे हुए पानी को क्या कर रहे हैं बेटा, पोल्यूटेड कर रहे हैं। आप एग्जांपल लिख सकते हो बैक्टीरिया का, लाइक सेलमोनेला टाइफी। दैट कॉज टाइफाइड, इट पोल्यूटेड द वॉटर। ये मेनली हमारा एक वॉटर बॉर्न डिजीज है बेटा जी, कैसे हमारा वॉटर के थ्रू बेटा जी ट्रांसफर होने वाला डिजीज है, और अगर ये वॉटर के थ्रू फैले इसमें वॉटर को क्या कर रहा है बेटा जी, पोल्यूटेड कर रहा है, हम उस पानी को पी लेते तो हम भी क्या हो जाते हैं वहां पे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इट इज द वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज कॉमनली फाउंड विद इन द वॉटर, दैट ग्रो मेनली विद इन द वॉटर। तो ये हमने कुछ बातें आपकी पहले पढ़ी हुई, तो वही बात हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ पे। अगला वर्ड आता है बेटा जी बायोलॉजिकल वेपन। हम लोगों को मारने के लिए, उनमें डिजीज को स्प्रेड करने के लिए हम यहां पे बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लाइक एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स इज वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड वाइडली एज ए बायो वेपन।
काफी कंट्रीज उन्हें क्या करते हैं, अजय बायो वेपन के तौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोचो अगर हम किसी देश पे अटैक करते हैं, हम वहां पे एंथ्रेक्स से किसी ऐसे, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला है, सोचो हम किसी भी अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है हम उसको क्रिएट करें, या ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसका कोई इफेक्ट हो, जिसको हम इजिली ट्रीट नहीं कर सकते, वो बहुत लार्ज स्केल पे बीटा जी यहाँ पे किल करता लोगों को, हम अगर उसको यहाँ पे स्प्रेड करते देशों में यहाँ पे, तो इट कैन ऑल्सो यूज एज ए बायो वेपन। जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बेसिलस एंथ्रेक्स, क्या नाम बोला मैंने यहाँ पे, बेसिलस एंथ्रेक्स इज यूज्ड एज ए बायो वेपन। तो दीज आर द फ्यू हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया जो आपने पहले पढ़ी हुई है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, बस उनके हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया आप लोगों के लिए। अब आता अगला, क्या सर बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है? तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बेटा जी, बैक्टीरिया हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल एक्टिविटीज भी है। लाइक सबसे पहले बेटा जी, वो अमोनिया को फिक्स करता है, कैसे? तो आप ये कह सकते हो जो हमारे प्रोटीन से वो मेनली अमीनो एसिड से बने हैं, वो क्या करता है, इस प्रोटीन को डिग्रेड करता है और कन्वर्ट करता है विद इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। ऐसा कौन करता है? मैं कहूंगा चलो मैं एक बैक्टीरिया का नाम आपको बताता हूं बेटा जी, यहां पे बेसिलस वल्गरिस इज द वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट डिग्रेड द प्रोटीन इनटू द अमोनिया। तो मैं कहूंगा अब वो अमोनिया को बनाने लग रहा है, तो अमोनिया को बनाने वाला प्रोसेस क्या बन गया बेटा जी यहां पे, अमोनिया फिकेशन। अमोनिया को बनाने वाला प्रोसेस क्या बन गया, अमोनिया फिकेशन। कैसे बनाया उसने अमोनिया पे, बाय कन्वर्टिंग द प्रोटीन इनटू द अमोनिया। उसने प्रोटीन को कन्वर्ट किया किसकी फॉर्म बेटा जी यहां पे, अमोनिया की फॉर्म। मैं कहूंगा प्रोसेस क्या बन गया यहां पे, अमोनिया फिकेशन। एग्जांपल क्या दिया मैंने यहां पे, बेसिलस वल्गरिस। चलिए ऐसे छोटे टॉपिक जो आपको बस आपको ये याद करवाने याद आते हैं। अगला बड़ा आता है बेटा जी नाइट्रिफिकेशन। आपने बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम पढ़ा है यहां पे, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमा, जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझ के देखते हैं यहां, समझिएगा। अमोनिया को पहले हमने कन्वर्ट किया बेटा जी यहां पे NO2 नेगेटिव की फॉर्म में। ये काम करने का काम क्या बेटा जी यहां पे, नाइट्रो सोमोनास बैक्टीरिया। फिर बेटा जी हमने NO2 को कन्वर्ट किया बेटा जी यहां पे NO3 में। ये काम किया बेटा जी यहां पे, नाइट्रो बैक्टर। तो हमने क्या किया एक्चुअली बेटा जी यहां पे, एक अमोनिया को हमने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट की फॉर्म। तो मैं कहूंगा प्रोसेस क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन एंड इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। मैंने आपको दो बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया बेटा जी यहां पे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया आर द बैक्स स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट आर इन्वॉल्वड विद इन द नाइट्रिफिकेशन, जो ऐसा काम करके यहां पे सोइल के अंदर अगर सोचिएगा इसका कंटेंट बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बेटा जी यहां पे सोइल फर्टिलिटी क्या होगी बेटा जी यहां पे, इंक्रीज होगी। अभी आपने कहा डीनाइट्रिफिकेशन में डिक्रीज होती है, बट ये क्या कर रहा है बेटा यहां पे, इंक्रीज करते बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द नाइट्रेट विद इन द सोइल। चलिए और क्या बात है, तो मैं कहूँ अगला बार आते हैं, तो हमने बहुत बार पढ़ा है बेटा जी नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में आपने बात की, ये बेटा दो तरह की यहाँ पे, या तो सर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सोयल के अंदर फ्रीली बैठे हुए हैं और जो सोयल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इनकी बातें करते हैं। फिर दो तरह की बातें उधरती है, या तो बैक्टीरिया कैसे है बेटा जी एरोबिक है, या फिर वो बैक्टीरिया कैसे है बेटा जी आपके यहाँ पे एनएरोबिक। तो हम इनके एग्जांपल को समझने पेपर के लिए, ये टॉपिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसमें एरोबिक की बातें कर सकते हैं। मैं दो नाम आपको बताता हूं बेटा जी यहां पे, ठीक है नाम लिख लो यहां पे, बेजरनिका इज ए बैक्टीरिया दैट इज एरोबिक एंड दैट फिक्स द नाइट्रोजन टू द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। एक और लिख देते बेटा जी यहां पे, इट इज ए बैक्टीरिया दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया एंड दैट कैन फिक्स द नाइट्रोजन टू द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। तो मैंने लिखा बेटा जी एरोबिक है और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। याद रखना दीज आर द फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। वही पे हम बातें करते हैं सर एनारोबिक भी है क्या कोई, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटे का एग्जाम्पल आपको बताते हैं यहाँ पे, रोडो
स्पैरुलम। रोडोस्पैरुलम इज ए बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करकर फ्रीली वो सोयल में बैठा होता है बेटा जी यहाँ पे। पर ये जो बैक्टीरिया बेटा जी नेचर में कैसे आपका एनएरोबिक है, कैसे बेटा जी एनएरोबिक, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत बार बेटा जी क्वेश्चन आता है आपके नीट में भी और बेटा जी यहाँ पे आपके कमिंग टेस्ट में इसपे क्वेश्चन आएगा पक्का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाम रखना बेटा एनएरोबिक कौन सा, यहाँ पे रोडो स्पैरुलम है और एरोबिक वाले कौन से यहाँ पे, मैंने आपको इनकी बातें की आपके साथ। ठीक है, अब बातें करते हैं सर सिंपैथेटिक, ये तो आपने बहुत बार पढ़े बेटा जी, दो तरह की बातें की मैंने, या तो बेटा जी प्लांट कैसा है यहाँ पे लेग्यूम प्लांट है या फिर प्लांट कौन सा है यहाँ पे नॉन लेग्यूम प्लांट है। याद करो मैंने नाम लिखा है बेटा जी आपको यहाँ पे राइजोबियम, क्या नाम लिखा है मैंने यहाँ पे राइजोबियम, कहाँ पे बेटा जी रूट नोड्यूल बनाता है किसने लेग्यूम प्लांट को, नाइट्रोजन को क्या करता है फिक्स करता है, इसके बारे में आपने लिखा था बेटा जी यहाँ पे फ्रेंकिया जो कि रूट में ही नोड्यूल बनाता है, बट वो कैसे प्लांट बनाता है बेटा जी यहाँ पे नॉन लेग्यूम प्लांट बनाता है। एक बात याद रखना कोई पूछे आपसे फ्रेंकिया कैसा बैक्टीरिया, तो याद रखना फ्रेंकिया इज ए एक्टिनोमाइसिस और एक्टिनोबैक्टीरिया, ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया बेटा जी, तो आप लिखना है यहाँ पे इट इज ए एक्टिनोबैक्टीरिया। ये कौन से ग्रुप में आता है बेटा जी यहाँ पे इट इज एक्टिनोबैक्टीरिया जो बेटा जी नॉन लिविंग प्लांट के अंदर नाइट्रोजन को क्या करता है यहाँ पे फिक्स करता है और रूट के नोड्यूल में ऐसा काम करता है। ठीक बात है यहाँ, और आपको दो चार नाम बताते हैं यहाँ पे, ये तो सब आप हो गए सिम्बायोटिक के अंदर ही, मैं इनको हटा रहा हूं सिम्बायोटिक में, और एक नाम लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे आप एरोराइजोबियम, इसके बारे में खास बातें रखना बेटा जी एरोराइजोबियम ये इट फॉर्म स्टेम नोड्यूल इन सेस्बेनिया प्लांट। स्पेसिफिक बातें की मैंने यहां पे सेस्बेनिया प्लांट की स्टेम के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय फॉर्मिंग द नोड्यूल, ये सब के अंदर में लिखा है बेटा जी ये रूट नोड्यूल बनाते हैं, मतलब ये रूट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वर्ड को समझो मैं क्या कह रहा हूं, सिंबायोटिक बैक्टीरिया है लेग्यूम प्लांट में राइजोबियम जो रूट में नोड्यूल बनाकर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नॉन लेग्यूम प्लांट में फ्रेंकिया है जो कि एक एक्टिनोबैक्टीरिया है बेटा जी और ये रूट नोड्यूल बनाकर बेटा जी नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बट मैं एक स्पेसिफिक बातें बता रहा हूं, स्टेम के अंदर भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और वो फिक्स करने वाला बैक्टीरिया कौन है बेटा जी यहाँ पे एरोराइजोबियम है जो बेटा सेस्बेनिया प्लांट की स्टेम के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है एक टेस्ट के अंदर, तो इस बात को बेटा जी याद रखना आपको। ठीक है, तो हम यहाँ बातें क्या कर रहे हैं कि भाई यूजफुल एक्टिविटी है वो क्या करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, क्योंकि उनके पास में नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। आप साइनोबैक्टीरिया की बात कह सकते हो, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या है बेटा जी हेटरोसिस सेल है, उनके अंदर क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम बैठा है और वो नाइट्रोजन को क्या करता है फिक्स करता है। तो यस साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो उसके एग्जांपल भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप उनमें नाम ले सकते हो एनाबीना का आपको लिखा है नॉक्टस, ये सब क्या है बेटा जी यहाँ पे आपके सबके सब बेटा जी आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चलिएगा पॉइंट आता है सर और क्या इसके फायदे, तो मैं कहूंगा बेटा सबसे बड़ा हम अगर डेली एक्टिविटी को देखें तो हम कहते हैं बातें यहाँ पे डेरी प्रोडक्ट, जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो डेरी में बनते हैं या जो मिल्क के प्रोडक्ट है उनमें बेटा जी बैक्टीरिया का यूज होता है। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा जी कर्ड, आप अपने घरों में दही को जमाते हो, दही को कौन जमाता है दही कौन बनाता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो आप क्या कहते हैं लैब, मिल्क को कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है लैब। लैब की फॉर्म क्या होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या उसका बोलते हो लैक्टोबैसिलस, बड़ा कॉमन सा नाम है बेटा जी आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में भी, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड। और बातें करते हैं यहां पे इवन इन द मेकिंग ऑफ द चीज,
चीज मेकिंग, एक स्पेसिफिक नाम मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, यहां पे स्विस चीज, इस चीज को अगर आप देखो जिस चीज में बड़े बड़े होल होते हैं, छेद होते हैं, वो छेद बेटा जी बैक्टीरिया की वजह से क्रिएट होते हैं वहां पे, बट वो बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है उसका नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम होता है प्रोपाइनोबैक्टर सर्मनी, प्रोपाइनोबैक्टीरियम It is the bacteria that is used in making of the Swiss cheese. अगला वर्ड आता है एंटीबायोटिक। हाँ भी आपने लास्ट क्लास में बातें की थी एक्टिनोबैक्टीरिया के बारे में, वहां पे आपको मैंने लिखा था कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं कुछ एंटीबायोटिक का आपको नाम बता देता हूं कि यस दीज आर द एंटीबायोटिक दैट आर मेनली प्रोड्यूस बाय द एक्टिनोबैक्टीरिया। लाइक मैं अगर आपसे बातें करूं, आपने एक जीनस पढ़ा था स्टेप्टोमाइसिस, याद आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस लिखा है कि ये जीनस मेनली एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है, इस जीनस से बहुत सारी क्या मिलती है एंटीबायोटिक मिलती है। लाइक मैं आपको अगर एंटीबायोटिक की बात लिखूं यहां पे, मैं लिखूं सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मैं यहां पे एंटीबायोटिक का नाम लिख रहा हूं बेटा जी, that we get from this genus, means एक अकेले genus के bacteria से बहुत सारे antibiotic मिलते हैं, उनके नाम आपको बता रहा हूँ, streptomycin is one of the antibiotic that we get from the streptomycins। अगला नाम लिखिए बेटा जी यहाँ पे, chloromycetin, erythromycin, तो these are the few name of the antibiotic that we get from the streptomyces genus। मैंने आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हमें बेटा जी अकेले जीनस से मिलते हैं, मैंने आपको कुछ यहाँ पे नाम बताया कि दीज आर द फ्यू एंटीबायोटिक जो मेनली बैक्टीरियल की ग्रोथ को ही इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं, हमारे डॉक्टर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवाई को देते हैं हमें एंटीबायोटिक को, और ये एंटीबायोटिक हमें कहां से मिलते हैं बेटा जी यहाँ पे इस जीनस के एक्टिनोबैक्टीरिया से मिलते हैं, जो हमने कहा ये वन ऑफ द इकोनॉमिकल क्या है बेटा जिसका हमें फायदेमंद एक यूजफुल एक्टिविटी हो जाती है। अगला वर्ड आता है बेटा जी इंडस्ट्रीज में, अब आप कहोगे सर इंडस्ट्री में, तो मैं कहूंगा बेटा सोच के देखो आप अपने घरों में यूज करते विनेगर का, विनेगर क्या है, व्हाट इज विनेगर, तो विनेगर इज नथिंग इट इज एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है, नाम होता है उसका एसिटोबैक्टर एक्टी, नाम क्या होता है उसका एसिटोबैक्टर एक्टी। तो मैं कहूंगा ऐसे आप बातें करते हो यहाँ पे बेंजोइक एसिड या डिफरेंट टाइप के बेटा ब्यूटेरिक एसिड, डिफरेंट टाइप के बेटा यहाँ पे आपको एसिड्स मिलते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी गेट या दैट वी प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रीज दैट वी गेट फ्रॉम द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो चलो उनकी कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ में, एसिटिक एसिड कैसे बनता है बेटा जी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इथेनॉल ऑक्सीडेशन कर दो बेटा जी तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, और कौन करता है इसका ऑक्सीडेशन बेटा जी, एक्टिनो एक्टोबैक्टर एसिटो, एसिटोबैक्टर एक्टी क्या नाम बोला हमने यहाँ पे एसिटोबैक्टर एक्टी कोज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द एसिटिक एसिड। दीज आर द फ्यू एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, बस आपको बात का समझ नहीं यहाँ पे कि ये हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एक्चुअली जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब जस्ट कि भाई कोई क्वेश्चन बन गया था उसे टैकल कर लो कि हाँ ऐसा हमने कुछ पढ़ा है यहाँ पे, ये सब चीजें बेटा जी आपको डिटेल में पढ़नी है, और कब पढ़नी है यहाँ पे आपका इवन चैप्टर आएगा उसका नाम होगा माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे आपकी 12th क्लास में टॉपिक है उसका नाम है बेटा जी माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे हम पूरे माइक्रोब्स की दोबारा से बातें करते हैं, बट कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन सारे 12th क्लास के क्वेश्चन है,
ये टॉपिक कवर होता है 12th क्लास में, बट जब एग्जामिनर पेपर को बनाता है तो ये भूल जाता है कि 11th क्लास में, क्योंकि वहां बेक्चे नाम लिखा है, तो क्योंकि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है तो यहां से क्वेश्चन रख देता है, बट वो क्वेश्चन एक्चुअली मोनेरा किंगडम का नहीं है। वो क्वेश्चन आपको बेटा जी 12th क्लास में समझना है। 12th क्लास में हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया जहाँ पे बेटा जी माइक्रोब्स का क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ तो मैं उन चीजों का पूरा मेकिंग नहीं समझा पाऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि बड़ा डिटेल का प्रोसेस है। वहां तो मैं पूरा प्रोसेस को समझना है कि कैसे कैसे सारा काम होता है। यहाँ से आप एक एक एग्जाम्पल को समझ लो यहाँ पे कि हाँ ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके चीजों को समझाने की बात कर रहा हूँ बेटा जी। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके बस एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे क्या क्या बातें हुई यहाँ। बात होती है बेटा ऑयल डिग्रेड की। जरा सोचो यहाँ पे अगर ऑयल कहीं पे गिर जाए या आपकी जो सी वगैरह होती है वहां पे बेटा जी शिप से अगर ऑयल का बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो आपके बेटा जी वाटर के शिप के थ्रू बेटा जी अगर ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहां पे अगर कोई लीकेज हो जाए पूरे पानी में, अगर बेटा जी आपका यहाँ पे ऑयल स्प्रेड हो जाए या आपको कहीं सड़क वगैरह पूरा ऑयल स्प्रेड हो गया, तो हम उसे डिग्रेड कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे ऑयल को भी डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया आते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसा काम करता है। बैक्टीरिया का नाम होता है सुडोमोनास पुटिडा। बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा यहाँ पे सुडोमोनास पुटिडा। इट इज द बैक्टीरिया दैट कैन इवन डिग्रेड द ऑयल। वो ऑयल को भी क्या करता है बेटा, डिग्रेड करता है। हम ये कहते हैं जो भी हमारे यहाँ पे ऑयल को डिग्रेडिंग एजेंट है वो भी कौन है बेटा जी, माइक्रोब्स है। वो भी कौन, एक बैक्टीरिया है दैट कैन डिग्रेड द ऑयल। नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सुडोमोनास पुटिडा। ओके आगे बातें करते हैं। बैक्टीरिया फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है बेटा जी यहाँ पे कि आप प्लाज्मिड का यूज करते हो एज ए वेक्टर के तौर पर। किसका बेटा जी यहाँ पे, प्लाज्मिड का। वैसे मैं कहूंगी बैक्टीरिया उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। जो अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा कि डाइकोट प्लांट में ट्यूमर कोज करता है, डाइकोट प्लांट में ट्यूमर कोज करता है, ग्राउंड बोल डिजीज कोज करता है बेटा जी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसेस। याद आना चाहिए ना बेटा जी, हम इस बैक्टीरिया के बेटा जी यहाँ पे जेनेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसे बेटा जी यहाँ पे यूज करते हैं, यूज एज ए वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट प्लांट। हम होस्ट प्लांट में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हम इसी वेक्टर का क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे यूज करते हैं। लास्ट आता है बेटा जी यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट। आप ही कहते हो सर जैसे डे बाय डे की बातें हो रही है तो हमारे यहाँ पे अमाउंट ऑफ द सीवेज प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। अभी सीवेज इतना सारा कहाँ जाता है, क्या हम इस सीवेज को सीधा जाके बेटा जी यहाँ पे आपका पानी में डाल देते हैं, किसी वाटर बॉडी में डालते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, क्योंकि अगर आपने सारे सीवेज को बेटा वाटर बॉडी में डाल दिया तो वहां पे पूरी वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट बैठा हुआ उसको डिग्रेड करने के लिए बेटा जी हम वहां पे आपका यहाँ पे एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। मैं कहूंगा बेटा जी एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया are used in सीवेज ट्रीटमेंट। अब कहोगे सर जैसे मैं कहूंगा बेटा जी गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब क्या है बेटा जी? हमारी गंगा नदी डे बाय डे पोल्यूटेड होती जाता है। हमने बेटा जो आपके सेटअप लगाए हैं, जो आपके अलग अलग बेटा जगह पे यहाँ पे हम गंगा को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। वहां से हम लेके बेटा जी यहाँ पे जो भी उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बैठा होता है उसे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं बाय द यूज ऑफ द बैक्टीरिया। तो मैं कहूंगा यस दीज आर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी हमारे एसटीपी जिसे हम सोफॉर्म बोलते हैं बेटा जी, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारे गंगा के ऊपर और हमारी यमुना नदी के ऊपर भी हमने सेटअप कर रखे ताकि हम नदियों को भी क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे क्लीन कर सके। तो ये बस थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक था जो कुछ नया नहीं था, बस आपको चीजें समझनी है कि ये जो बैक्टीरिया आपने पढ़ा है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज होते हैं, इसलिए हार्मफुल एज वेल एज बेटा जी यहाँ पे यूजफुल क्या है यहाँ पे एक्टिविटी है। तो बाय चांस इनसे कोई क्वेश्चन कवर हो गया था उसे यहाँ पे टैकल कर लेना बेटा जी। वैसे सब चीजें बेटा जी आपको डिटेल में पढ़नी है, इन द कमिंग चैप्टर में पढ़ोगे हम। इसके साथ ही बेटा जी हमारा मोनेरा पूरा खत्म होता है। कुछ खास नहीं है मोनेरा में पढ़ने के लिए हमारे पास में, यहाँ पे खत्म होता है हमारा पूरा मोनेरा। एंड आई होप आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे अपने आप को। एंड बार बार मैं आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि किंगडम क्लासिफिकेशन रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज मोनेरा
के साथ साथ हमारे सिलेबस के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर आते हैं हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम 6 किंगडम। तो प्लीज 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 उसको रिवाइज कीजिएगा, आपके कमिंग टेस्ट में वो सिलेबस में है, खाली मोनेरा नहीं है, आपको वहां से भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलेगा बेटा जी, थैंक यू।